आखिर पिरामिड क्यों बनाए गए थे और इन्हें किसने बनाया था? क्या है पिरामिड के अंदर? क्या पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही है? क्यों बनाए जा रहे हैं जगह जगह पिरामिड से बिल्डिंग? क्या कभी भारत में भी थे पिरामिड? क्या मिला जब इन पिरामिड को लूटा गया? आज हम जानेंगे इन्हीं सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नो झंझट नो बकवास सीधे फैक्ट्स की बात। मिस्र में गीजा के पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं में मौत के बाद की दुनिया बसी हुई है। जापान की क्योसो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मियोन तकनीक के जरिए अंदर की फोटो निकालने की तैयारी की। तब तक दुनिया में कोरोना फैल गया और स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट ठप हो गया। मिस्र के रहस्यमय पिरामिडों के बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे विशाल है फराओ खुफू का पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ नई बातें पता चली हैं। पिरामिड के नीचे रहस्यमय दुनिया। फराओ खुफू का गीजा पिरामिड बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई 450 फुट है। इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के नीचे रहस्यमय दुनिया का रास्ता छिपा हुआ है। दरअसल इस विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तहखानों में से कोई मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण फराओ खुफू और उनकी रानी की मम्मी यानी संरक्षित शवों को रखने के लिए बनाया गया था। इससे यह आशंका प्रकट होती है कि राजा रानी के शवों को कहीं और सुरक्षित रखा गया है, जिसकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। पिरामिड के नीचे कई सुरंगें मौजूद हैं। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस के मुताबिक गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया है, जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं, सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई थी। शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिंस ने पाया कि महान पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे से गुप्त सुरंगों का पता लगाया गया है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कॉलिंस को इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी सॉल्ट के शोध पत्रों से पता चला, जिन्होंने 1817 में गीजा के पिरामिड के नीचे की सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। डॉक्टर कॉलिंस ने पिरामिडों के नीचे रहस्यमय दुनिया की अपनी थ्योरी पर एक किताब बिनीथ द पिरामिड्स भी लिखी है। बेहद खतरनाक है पिरामिड के नीचे की दुनिया। डॉक्टर कॉलिंस ने बताया कि पिरामिडों के नीचे के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो उसके बारे में जानना ही मुश्किल है, क्योंकि इन्हें बेहद गुप्त रूप से बनाया गया है। डॉक्टर कॉलिंस को इनके बारे में तब पता चला जब उन्होंने चट्टान के बीच में एक दरार की पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वह एक विशाल गुफा में जाकर खुलती थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह के रास्ते अनजाने गड्ढों से भरे होते हैं, जिसमें कभी भी कोई गिरकर जान गंवा सकता है। इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती बस गई है। इसके अलावा उसमें जहरीली मकड़ियां और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद हैं, जो कि किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। पिरामिड जितना ही रहस्यमय है, उसका रक्षक गीजा के महान पिरामिडों के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो कि 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पर बनाया गया है। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराशकर बनाया गया है। स्फिंक्स दुनिया की सबसे विशाल एकल पत्थर मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री के जैसा है, जबकि बाकी का पूरा शरीर शेर का बनाया गया है। स्फिंक्स मिस्र के प्राचीन शासकों यानी महान फराहों के मकबरे के रक्षक के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसकी मूर्ति भी अपने मालिक फराहों के पिरामिड से कम आश्चर्यजनक नहीं है। गीजा के स्फिंक्स की पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है, जो माना जाता है कि एक विशाल चैम्बर से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स के प्रतिमा के पास एक और छोटा चैम्बर है, जो कि विशाल चैम्बर से जाकर जुड़ता है। स्फिंक्स का निर्माण पिरामिड से दूर किया गया है। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि गीजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। यह एक तरह के मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है। स्फिंक्स के नीचे का सीक्रेट चैम्बर का कनेक्शन पिरामिड के नीचे की धरती के अंदर की दुनिया से जरूर होना चाहिए। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर कैसे खुलेगा मौत की दुनिया का राज। मौत की दुनिया का राज खोलने की कोशिश वैज्ञानिक
तरीके से जारी है। जापान के क्योसो यूनिवर्सिटी के रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिडों के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्यूऑन टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है। म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकते हैं। म्यूऑन किरणों की मदद के सहारे गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्योसो यूनिवर्सिटी ने पिरामिडों के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन मार्च तक काम होने के बाद कोरोना संकट के कारण इस पर रोक लग गई। मार्च तक की स्टडी के बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब कोरोना त्रासदी का असर थोड़ा कम होने के बाद मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, जिसके बाद स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट पर भी जल्दी ही काम शुरू हो गया है। गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4500 साल पहले बनवाया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। इसे प्राचीन मिस्र के महान फरहुआ यानी महाशासक खुफू की कब्र के तौर पर बनाया गया था। इसकी लंबाई 481 फुट यानी 146 मीटर है। माना जाता है कि गीजा के पिरामिड को चांद से भी देखा जा सकता है। इस पिरामिड में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक और ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के तहखाने में मिला है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन है और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा और लगाया गया होगा। गीजा के पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के सबके संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। गीजा के पिरामिड की सबसे खास बात तो यह है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। मिस्र में गीजा के पिरामिड के पास 4500 साल पुराने दो मकान मिले हैं। अमेरिकी रिसर्च टीम ने यहां पर दो घरों को खोजा है। बताया जा रहा है यह मकान अर्धसैनिक बलों के लिए बनाया गया होगा। एंशिएंट इजिप्ट रिसर्च एसोसिएशन के निदेशक मार्क लेहनेर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्राचीन काल में मिस्र में पुजारियों की संस्था के उल्लेख वाली मोहरें मिली हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार 4500 साल पुराने इन दोनों मकानों में से एक अधिकारियों के लिए रसोई रहा होगा। पहले भी मिले थे मकान। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये दोनों मकान गैलरीज नामक स्ट्रक्चर पर मौजूद हैं, जहां पर गीजा की पैरामिलिट्री फोर्स रहती थी। बताया जा रहा है कि इन स्थानों पर 1,000 लोग रह सकते हैं। बता दें कि यहां पर इससे पहले भी कई चीजें मिल चुकी हैं। इससे पहले यहां पर 21 कमरे वाला मकान भी मिला था। पुरातत्वविदों के अनुसार इसका इस्तेमाल पोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी करते होंगे। 7 अजूबों में शामिल है गीजा का पिरामिड। दरअसल गीजा का पिरामिड दुनिया भर के 7 अजूबों में शामिल है। 2560 ईसा पूर्व बने इस विशालकाय पिरामिड में पत्थरों का इस्तेमाल किया था। पुरातत्वविद इस पिरामिड के रहस्य को जानने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इससे पहले यहां पर एक प्राचीन बंदरगाह खोजा गया था। बताया जाता है कि इसका निर्माण मेनकोरे के पिरामिड बनाने के समय हुआ होगा। बता दें कि मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड के कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पिरामिड और दुनिया के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले पिरामिड लगभग एक जैसे हैं। अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया में पाए जाने वाले पिरामिड एक जैसे ही हैं, जबकि उस समय संचार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे लोग एक दूसरे को कुछ बता सकें। तो क्या सिर्फ अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों तक ही सीमित हैं पिरामिड? नहीं, ऐसा नहीं है। आज से 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। यह वही काल था जब मिस्र में पिरामिड बने थे। यह वह काल था जब इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंदब, पारस आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थीं। हम यहाँ बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की ही नहीं करेंगे,
बल्कि दुनिया भर के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। आओ जानते हैं पिरामिडों के रहस्यों के बारे में कुछ खास। बदल जाता है पिरामिड में रखी वस्तुओं का गुण धर्म। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। घरेलू पिरामिडों का शुभारंभ फ्रांसीसी वैज्ञानिक मॉसियर बॉक्सी के प्रयोग के साथ हुआ। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुण धर्म में बदलाव आ जाता है, अर्थात यदि किसी प्रकार के छोटे बड़े लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और वह बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इसी कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। इस संदर्भ के अनुसंधान कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सिरदर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखे पिरामिड के अंदर बिठाने से वे दर्द मुक्त हो जाते हैं। गठिया बात रोग, पुराना दर्द भी इन संरक्षा में संगनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। पेड़ पौधों पर पिरामिड के प्रभाव के अध्ययन से भी निष्कर्ष सामने आया है। एक ही प्रकार के पौधों को अंदर तथा बाहर के वातावरण में रखने पर पिरामिड के अंदर वे कहीं ज्यादा तेजी से पनपते हैं। उसकी ऊर्जा तरंगे वनस्पतियों की वृद्धि पर सूक्ष्म व तीव्र प्रभाव डालती हैं। पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने से पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते हैं। यही जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में लाभ मिलता है। घावों को जल्दी भरने में भी इस जल का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ प्रयोग परीक्षण हुए हैं। पाया गया है कि इसके अंदर बैठने पर तनाव से सहज ही छुटकारा मिल जाता है और शरीर में एक नई स्फूर्ति के संचार का अनुभव होता है। पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इससे वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर विचित्र प्रकार के कंपन पैदा होते हैं, जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करते हैं। बीजों को बोने से पहले अगर थोड़ी देर के लिए पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो वे जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। बीमार और सुस्त पौधों को भी पिरामिड द्वारा ठीक और उत्तेजित किया जा सकता है। मिस्र के पिरामिडों की तरह ही दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक व इतिहासवाद इस अबूझ पहेली को नहीं जान पाए हैं कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया गया था। यह भी अचरज की बात है कि हजारों साल के बाद तक भी ये पिरामिड सुरक्षित हैं और इनकी चमक बरकरार है। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसी स्ट्रक्चर को बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइम स्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लाना ही इतना मुश्किल है, फिर इन्होंने इन पत्थरों को एकदम सही पोजीशन में कैसे लाया होगा? इसका एक जवाब है जिसे सुनकर शायद आप लोग यकीन ना करें। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओराइन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस नक्षत्र का नाम है ओराइन बेल्ट और इसके तीन मुख्य तारे हैं। इनका नाम है एनलाइटक, एनलाइलेम और माइंटेटा। इन तीनों पिरामिड की पोजीशन बिल्कुल इन तारों जैसी ही है। इस चीज को देखकर बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन्हें एलियन के द्वारा ही निर्माण किया गया था। पिरामिड टनल से भरी हुई है और इसमें जगह जगह बहुत सारे टनल्स हैं। पहले लोग यह सोचते थे कि इन टनल्स को वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि इनके अंदर हवा जाती रहे और ये ठंडे रहें, पर इस बात को गलत साबित कर दिया गया जब एक कैमरा इसके अंदर भेजा गया। कैमरा में अंदर ये देखा कि ये तो असल में बंद है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने एक एडवांस टूल के जरिए इस दीवार में छेद करके इसके अंदर एक कैमरा भेजा। ने अंदर जाते ही एक फोटो क्लिक किया और उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। लेकिन अब ऐसी बात नहीं,
है। अब इसको दूसरी तकनीक से एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर आप पूरी दुनिया के नक्शे को देखो और उसके सेंटर को तलाशो तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया का सेंटर उसी जगह है जहां पर ये पिरामिड मौजूद है। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? पहले के लोगों का मानना था कि धरती चपटी है, फिर उन्होंने इतने सटीक तरीके से धरती के बिल्कुल सेंटर पे इन पिरामिड्स को कैसे बनाया? क्या उनके पास हमसे भी बेहतर तकनीक थी जो हमें आज तक नहीं पता है? इन पिरामिड्स में आपको जगह जगह पर एलियंस और उनके यानों के चित्रण भी मिल जाएंगे जो कि उसी समय के हैं जिस समय के ये पिरामिड है। खैर, अब आप जानिए आधुनिक समय में कहां कहां बने हैं पिरामिड। लास वेगास में 4000 कमरों वाले होटल लग्जर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस के लोवारे में शीशे का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया है। भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। भारत के असम में भी हैं पिरामिड। असम के शिवसागर जिले के चारडियो में अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें हैं। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किए। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोइडमों को तहस नहस करवा दिया लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस कब्र को खोदकर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास किया लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया लेकिन उनको खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं और वे सभी मारे गए। 39 अहोम शासक इन पिरामिड में बनी कब्रों में चिरनिद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उसको मौत की नींद सोना पड़ा है। इन मोइडमों के साथ रहस्यों और दौलत की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है जिसकी वजह से न सिर्फ इन कब्रों पर बार बार आक्रमण हुआ है बल्कि जिसने भी इन कब्रों की बर्बादी की लकीर खींची मौत ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोइडम की कब्रों में बेशुमार खजाना था जिसको लूटने की चाह से लोग आते थे और लूटकर चले जाते थे। लूट के माल के बाद खजाने को आपस में ही झगड़कर मर जाते थे। इस तरह यहाँ रखा सोना पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और फिर बर्मा के सैनिकों ने लूट लिया। अंटार्कटिका के पिरामिड। रेडियो रूस की वेबसाइट के अनुसार अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने सन 2013 में बर्फीले अंटार्कटिका में 3 पिरामिडों की खोज की है जिनमें से एक पिरामिड तो समुद्र तट के पास ही है लेकिन 2 पिरामिड तट से 16 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबे हुए हैं। ये तीनों ही पिरामिड मानव द्वारा निर्मित हैं क्योंकि हजारों वर्ष पहले अंटार्कटिका का यह क्षेत्र बर्फीला होने की जगह पेड़ पौधों और हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ उस काल में मनुष्य रहते थे। अंटार्कटिका की भूमि पर घने जंगल हुआ करते थे और तरह तरह के जीव जंतु भी रहते थे। आज अंटार्कटिका महाद्वीप एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने मंदिरों, महलों आदि की स्थापना की थी। सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति उन्ही प्रयोगों में से एक है जिसे वास्तुशास्त्र आप वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कह सकते हैं। यह आकृति अपने आप में अद्भुत है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों में आज के दक्षिण भारतीय मंदिरों की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी मंदिर कुछ कुछ पिरामिड नुमा आकार के होते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के सामने अथवा चारों कोनों में पिरामिड आकृति के गोपुर इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि व्यक्ति को उससे भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। ये गोपुर एवं शिखर इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशाल एवं प्राकृतिक आवरण तैयार हो जाए। आप जानते ही हैं कि ऋषि मुनियों की कुटिया भी उसी आकार की होती थी। प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की होती थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के घर पिरामिड
नुमा ही पाए जाते हैं। 5000 वर्ष पूर्व जब मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ तब भारत में सर्वत्र विशालकाय तुंग वृक्षों वाले वन थे तथा तत्कालीन भारत की जलवायु पूर्णतः संतुलित उत्तम और आरोग्यप्रद थी। इस कारण भारत में पिरामिड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके विपरीत मिस्र के गर्म रेगिस्तान में वृक्षावली तथा जल के अभाव की स्थिति में पिरामिड बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पिरामिडों में एक ओर जहां पीने के जल का संरक्षण किया जाता था तो दूसरी ओर उससे बिजली भी उत्पादित की जाती थी। पिरामिडों की कुल ऊंचाई की ऊंचाई पर रखे सब आज तक सुरक्षित हैं। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है जिसके चलते कोई भी वस्तु खराब नहीं होती। यह रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उसको इतना भव्य आकार देते थे कि वह हजारों वर्ष तक कायम रहे। इस प्रकार पिरामिड विद्या अमरता की विद्या है। प्रतिदिन कुछ समय तक पिरामिड में रहने से व्यक्ति की उम्र रुक जाती है। पिरामिड मिस्र के पिरामिडों पर आज भी शोध जारी है। हर बार यहाँ नए नए रहस्यों का पता चलता है। समय समय पर दुनिया भर के इंजीनियर और वैज्ञानिक पिरामिड और मम्मी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए शोध करते रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिरामिड के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर सकता है कि संपूर्ण पिरामिड बिजली से रोशन हो जाए। एक अरबी गाइड की सहायता से ग्रेट पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंचे सर सीमन ने इसका खुलासा किया था कि ग्रेट पिरामिड का संबंध आसमानी बिजली से है। इसी तरह गीजा के पिरामिड में ही नहीं दुनिया भर के पिरामिड अभी भी रहस्य की चादर में लिपटे हुए हैं। एक साइंटिस्ट पीटर का कहना है कि पिरामिड में 26 लाख ब्लॉक लगे हैं। इसका मतलब है कि अगर क्वेरी से इन्हें एक एक कर लाया गया तो 25 साल में इसे पूरा करने के लिए हर 6 मिनट में एक पत्थर चाहिए होगा। यह बकवास है, ऐसा इंसानों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह क्षमता सिर्फ एलियंस और उनकी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की ही हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।